मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हाय एवरीवन यहाँ पे सर तकरीबन पाँच छः लोग बैठते हैं सचिन अच्छी कहाँ ऑफ पे क्या अंदर बैठे हैं अच्छा तो सर यहाँ पे अपनी काउंसलिंग की टीम है पूरी जो आ, आ, हम लोग जो सिखाते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग और यूट्यूब का तो उसके लिए जो पेड कोर्सेज में स्टूडेंट है उसके हाँ हा। तो आपने इन चेहरों को से चार पाँच साल से देखा भी 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 ही होगा सब पुराने ही याद है देखा है देखा आप सभी तो ये स, ये सुगंधा है ये सोनम है वो कोमल है संध्या है चार सालों से साथ ही है सारे भी भी। अब बीच में मुंबई बैंगलोर से अकेला इन सबको भी ले गया था अच्छा सभी लोग गए सभी लोग गए थे बीस कितने लोग गए थे बीस बाईस बाइस पूरा स्टाफ ही गया था सारा एक छोड़ के कोमल को छोड़ के वो भी यही करती बहुत, कर बहुत मुश्किल है इतना जगह से माइग्रेट होकर तो सर नहीं हो पाया ना, ना। <laughs> तभी तो सर आ गए सारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टफ चीज है ये यह करना यहीं से पहले गए थे यहीं पे ये आपका सब कुछ बना के ये अपना ही से बिल्डिंग सब कुछ बना के रेडी करके चले गए छोड़ के लेकिन बहुत याद आई वहा लेकिन आ गए वापस आ गए तो यही अपना बैठते हैं यहाँ अपना दो दो लोग हैं संजय जी की थोड़ी वाइफ की हॉस्पिटल एडमिट है ओके 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 वो दो लोग है, हैं हैं अकाउंट्स में बैठते एक दो लोग यहाँ भी बैठते हैं इधर है, है, साथ में सब सब मिले है। जो है वो उधर ही लीड करते हैं सर टेस्ट ले लीजिए जरा इसका सर अपना सभी लोग साथ में ही है तो शुरू से ही काफी टाइम से अंकित जो है पांच सालों से साथ में जी सचिन जो है वो भी तीन तीन साल से सभी लोग सर ऑफिस okay. तो पहले पहले था हाँ, हाँ, हाँ. उधर अपना हम लोग रहते थे पहले यहाँ सर अपना एडिटिंग का काम है ये सचिन है पीछे जतन अश्विन उधर काव्या तो सर ये एडिटिंग होता है जी सर

इधर ही सर आप इधर कदम रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा यही है सर वो यही सर वो रिकॉर्डिंग वाला से अपना वीडियो वीडियो बनाते रहते हैं हाँ, मतलब ज्यादा जोड़ देंगे तो टूट जाएगा okay. ये तो शीट है पर इसके अंदर जो है वो है, इससे फायदा पता है क्या सर हुँ. अब अपना हम लोग हम लोग यूज लो करते थे ब्लैक वाला एक्वास्टिक अब उसको हम काला तो काला ही इसको सर कलर कर दीजिए ब्लू पीला नीला हरा स्टूडियो कलर बदल थोड़ा भी आवाज नहीं गुंज रहा है <laughs> वाँ, वाँ। <laughs> कुछ भी आवाज नहीं गुजरात है थोड़ा एकदम तो परफेक्ट है बिल्कुल और ये मैट लगा हुआ ये भी इस है ये ये भी पहली बार हम देख रहे हैं बहुत लोगों ने लिया है बट आ, मनोज भी तो सर आए थे ना मनोज अपना हा, 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 हा। तो सर पता है क्या है है तो बड़ी आसान चीज शुरू में माथा खराब हो जाता है मैं लेके रोया बहुत दिन तक क्या होता है कि फ्लिकरिंग आती है ये सारी चीजें बट अब ये काफी अच्छा बन गया पूरा मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने बेंचमार्क का भी रिसेंटली लिया है

आप कहेंगे मतलब वीडियो में लोग सोच रहे होंगे कि हम रेसर प्रमोट करने के लिए <laughs> लगा दे, दिखाता हूँ देखिए क्या कितना परेशान हुआ हूँ मैं ये देखिए इस बंदे से ये देखिए यही है बंदा सर राइट भाई एक बार ऑफिस आ जाओ यार है ना भाई जब इतना बेकार सर्विस है बढ़िया क्या है ना सर, 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 समो टेक्निकल इशू क्या बोले सर ये बंदा भी मतलब डीलर है खुद ही बता रहा है कि टीचर लोग परेशान तो वो दिक्कत हो जाती थी सर तो मैंने फिर ये भी मतलब मैक्स प्रोडक्ट है नो डाउट अच्छा बट वही दिक्कत आ जाती तो थोड़ी दिक्कत आती है है करने के लिए इसके साथ या फिर इसको ऑफ करके दूसरा लगाना पड़ता नहीं सर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर क्या है आ, एक तो ये वाला माइक ये लाइट है जो नीचे से ऊपर को काटता है हटा रखा जो हमने पहली बार पता नहीं क्यों ये सर यहाँ लग गया दो लाइट जिससे नीचे से लाइट आ गई और सर एक ऊपर की लाइट ये पूरी लाइट है

तो काफी बेटर है सर इससे और चीजें इसमें अच्छी आती हैं और तो बेटर रिकॉर्ड होता है नाइस तो सर ये है डिजिटल बोर्ड मेरा मैं कैसे यूज़ करता हूँ मेरे से पूछ रहे थे अलग से बहुत मंथली हजार बारह सौ रुपए का हुआ है कितना हजार रुपए गरीब इनका पड़ता है तो अपना यूएस में गए और जो भी पी है सर ये इवेंट के रिगार्डिंग आपको भी आना ही है मैं आपको पर्सनली और कैमरे में मैं कबूल करवा लूंगा आज <laughs> सर ये अपना क्रिएटर का इवेंट है स्टेडियम बुक किया सर इंदिरा गांधी स्टेडियम पूरा गुड गुड ये वाला तो इसमें क्या है कि आ, कुछ भी लिख सकते हो सर लिखिए ना प्लीज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ हाँ जी सर कुछ भी जो प्रेस करना होगा हाँ हाँ आप लिखिए सर कुछ भी करिए कलर चेंज कर देता हूँ कलर जैसे मान लीजिए ब्लैक ले लीजिए जी लिखिए सर सॉरी एक बार और तो, हाँ जी तो चेंज कीजिए फिर आ, कलर चेंज करूँ सर जी आप टच कर सकते हैं सर हाथ को टच कर सकते हैं जैसे अभी आप थोड़ा सा वो हो, हो रहे हैं जैसे कि आप लग रहा है कि थोड़ा सा डर रहे हैं हाँ, नहीं ऐसा नहीं जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सर वो टच होगा तो वो लिखा जाएगा एक्सपीरियंस है मतलब गुड और इसमें थोड़ा थोड़ा सा शुरू में तो देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आप सर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा शुरू शुरू में दिक्कत आएगी लेकिन पढ़ाने के लिए बढ़िया चीज है, चीज़ है मैं एज अ टीचर एकेडमिक के टीचर के लिए तो सर ये बेस्ट प्रोडक्ट है और मेरा थोड़ा सा फैमिलियर रहा मैं दस साल पढ़ाया भी हूँ तो मैं बोर्ड में पढ़ाता भी था थोड़ा सा ये बेस्ट है पीपीटी अपना जो भी लगाना है सर नंबर ऑफ़ फाइल बना लीजिए जितना भी उसका बैकग्राउंड चेंज करना है बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए जो भी बैकग्राउंड प्लेना चाहिए सर उस पर अपना ये आ जाएगा और अपना जो भी लिख के तो आप आपका तो सर लिखना कि आपका तो बोलना ही काफी है जबरदस्त है सीरियसली हम लोग क्या टेक्नोलॉजी में फंस गए आप आए हो और अब क्या हम बात कर रहे हैं बैठरी से लगा बैठे तो नहीं एक इधर उधर भी, उधर भी सर पॉडकास्ट के लिए आइए सही इधर लेके जाता हूँ आपको इधर से पॉडकास्ट के लिए सोफा वोफा लगा रखा है हमने अच्छा अच्छा ये ट्राई बोर्ड बड़ा ले लिया आपने अरे बाप रे इतनी क्या लगता है ये इतना कैमरा सर ये लोमिक्स का दो तीन कैमरे हैं सर आपको दिखाता हूँ एक बार

अरे हाँ ये बहुत जरूरी है अच्छा बहुत दिन से अच्छा और सर इसमें एक, एक अच्छा फायदा क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कोई ऊट पटांग जगह पे भी गए तो बॉल माउंट वो नहीं होगा अच्छा, लेवलिंग अच्छा, से, अच्छा, से है ये से। तो ये वाला पार्ट अच्छा है सर इसका बैलेंसिंग जो है सही है फिर एक सर अभी रिसेंटली एक माइक लिया सर अपन ने ये इधर वाला पॉडकास्टर माइक जो है ना श्योर का एम है ना ये तो ये एम जो सर हमने लिया है तो ये पॉडकास्ट के लिए अच्छा माइक है सर ये ये तो ब्लू एटी आता तो था याद है सर हाँ, बिल्कुल हाँ एक हाँ जमाने में अठारह में तो लोग खूब बोलते थे मैं भी खूब इस्तेमाल किया उसको अभी भी, भी है सर मैं तो ये लिए सर तो ये गुड गुड सर आप आए हमें बहुत अच्छा लगा सर सीरियसली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि YouTube पे आप आज पहले कभी किसी क्रिकेटर का किन क्या कहते थे सर मनोज गए मनोज क्या है क्या थे। और कहीं गए नहीं चलिए सर हमारा ये सौभाग्य सीरियसली कि आप आए और अरे <laughs> नहीं आएगा सौभाग्य नहीं नहीं है। मैं, नहीं मैं सर मिले इतने दिनों से है तो हम लोग साथ ही के ऐसा तो तो थोड़ी है आप भी उसी वक्त के थे हम दो हजार बारह में थे आई थिंक नहीं मैं तो सोलह के सोलह में शुरू किया मैंने सोलह में सोलह में शुरू किया मैंने तो जब मैंने शुरू किया था तो इन बिटवीन मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि क्या आप पार्क में घूम रहे थे तो मेरे को लगा यार ये बंदा ऐसे मैंने बोला मैंने बोला यार ये बंदा अपने जैसा है मतलब कुछ नहीं है सिर्फ मोबाइल देखा लोग देख रहे हैं है ना उस टाइम तो समझ भी नहीं थी तो फिर हम भी कर सकते हैं उतना अपने जैसा दिखता है इंसान हा, हा, हा। तो वो भी लगा यार तो मैंने आपको आ, मेल भी किया था कि कि सर सर मुझे हाँ, प्रमोट हाँ, हाँ, कर कर <laughs> कर दीजिए <laughs> याद याद नहीं नहीं। है आपको अरे यार थोड़ी पैसा पैसा ऐसा ऐसा बात दिया था था मैंने कुछ 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 लेके क्या प्रमोशन सकते हैं मेरा लिखा नहीं लेकिन आपने बड़ा हेल्दी लिया उसको और आपने मेरे ख्याल से एक वीडियो में जब आप बोले हुए थे अच्छा करते हैं अच्छा एक चीज हमको नहीं समझ यार देखता था समय आपका जो मेन थीम था स्टूडेंट जी। जो प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड का हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का हो करेक्ट करेक्ट उसके रिलेटेड कंटेंट होते थे मोटिवेट करने का कंटेंट होता था पूरा एक स्टूडेंट की कोई जो चाहिए वो था बट पिछले तीन चार साल से हम यही देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब कोर्सेज और इन चीजों में डिजिटल मार्केटिंग की तरफ यूट्यूब ही नहीं और भी चीजें हैं जी तो पूरा यू टर्न आपने ले लिया इन तीन चार सालों में है ना वो, चीज नहीं है मतलब वो ये फ्रेश वीडियो बन रही है वो जो चीज था वो नहीं है अब यहाँ पे वो मिसिंग है कहीं बिल्कुल यू टर्न हो गया मतलब वो कहाँ था कहाँ से आपने शुरुआत किया था कहाँ जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्लान होगा ये चीज़ें यहाँ तक जो आप आज हैं ठीक है बट uh, कैसे हुआ ये चीजें वी मेक क्रिएटर बना फिर वी मेक क्रिएटर आने लगे उसके बाद फिर यूट्यूबर कॉन्टेंट क्रिएटर डिजिटल मार्केटिंग के और फिर महात्मा जी टेक्निकल को भी मैं देखा कि uh, इसी के लाइन में उसको भी आप निकाल uh, मतलब आ तो सर ने मेरा रोस्ट ही कर दिया पूरा <laughs> ये चीजें हमको नहीं समझ आई ऐसा क्यों नहीं नहीं सर बहुत आ, सही सवाल पूछ लिया आपने मुझे लगता है बहुत दिनों बाद या आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे ऐसा पूछा है कि ऐसा क्यों क्या मैं आपको बताता हूँ थोड़ा स्टोरी लंबी है बैठने का ऐसा यहाँ मैं, आप मैं आपको एक लाइट है वो पीछे नहीं दिखता कलर हो जाता है आपका देखा सर आप भी तो लगा के रखते थे बुरा अरे चमकी चमकीला क्या आपने जो सवाल पूछा सर मैं उसका एक आंसर देना चाहूंगा कि मैं टीचिंग से था तो बच्चों को करियर काउंसलिंग करता आप था पहले पढ़ाते क्या हुआ कि चीजें ठीक चल रही थी तो मैं यूट्यूब पे अकाउंट्स पढ़ाने आया तो अभी भी अकाउंट्स का ऑडियंस नहीं है कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे कम है कम्पिटेट है साइंस वाले हाँ हैं नीट वाले सब बच्चे हैं भर के पूरा एस वाले हैं लेकिन कॉमर्स वाले अब देखे कम टीचर्स वगैरह पॉपुलर तो मैंने कहा यार मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ तो मैंने ना काउंसलिंग बनाना शुरू करा कि वॉट टू डू आफ्टर टेंथ ट्वेल्थ के बाद क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है तो जब मैं ये सब वीडियोज़ बना रहा था तो गूगल के इवेंट में पहली बार गया सर दिल्ली में जब गूगल ने बुलाया तो वहाँ जब पहली बार गया तो वहाँ पे जाने के बाद मैं कई लोगों से मिला जिनमें से वन ऑफ मेरे फ्रेंड बने गौरव गर्ग जो स्टडी आईक्यू के फाउंडर रहे अच्छा जब उनसे मिला तो मुझे समझ आया कि यार लोग जो है डिजिटली भी शिफ्ट हो सकते हैं कोचिंग आपका ऑफलाइन है तो उसको

मैं जब यहाँ से कर सकता हूँ तो एक गांव में भी रहने वाला बता आप तो खैर गांव से ही हैं सर तो गांव में रहने वाले लोगों के पास भी तो माइक फोन है ही बस माइक ही तो खरीदना है तो वो भी उतना ही अर्न कर सकते हैं तो मुझे वीडियो मार्केटिंग एक फ्यूचर दिखा और मैंने तकरीबन उसके बाद आपको याद होगा मैंने भोपाल में सिट के साथ सर एक इवेंट किया था आ, उसके बाद कई जगह मैंने वर्कशॉप काफ़ी करे तो मुझे समझ आया कि इमर्जिंग और ग्रोइंग फ्यूचर है

सर साढ़े आठ लाख सब्सक्राइबर बना फिर मैंने वीडियो मार्केटिंग शुरू करी बहुत से लोगों ने बोला कि सर आप इसको सर आप करो क्योंकि एक टीम में खर्चा होता ही है आप भी टीम चला रहे होंगे उसमें तो सर तो फिर हमने उसको मोनेटाइज शुरू किया और धीरे 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 टीम जुड़ती गई और आज ये सब जैसे प्रजापति लड़का आया था आपने देखा होगा कि ये भी हमारे पहले इवेंट्स में था फिर लोगों को फिर टीम बनाई मैंने कहा जब हम किसी को वैल्यूज दे रहे हैं तो टीम के साथ दो प्रॉपर सोल्यूशन दो तो चीज़ें चल रही हैं और रही बात की वो मोटिवेशनल वीडियोज़ का तो देखिए सर हमेशा इवॉल्व होना पड़ेगा समय के साथ आज भी इस उम्र में आके वही कि क्या करोगे दसवीं के बाद मैं वीडियो बनाता रहूंगा तो ना मैं इन्वॉल्व हो पाऊंगा मैं लोगों को ना ही लाइक वो कर पाऊंगा कुछ नई चीज सर करता रहा और बस आप लोगों के प्यार से कर रहा हूँ सर कुछ गलतियाँ होती है आप लोग डंडा दे ही देते हो <laughs> अरे <या>, <laughs> तो, आ, 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 सर मैं कभी भी नहीं चाहता कि किसी का कहीं इस्तेमाल किया जाए मतलब जो आई होप कि जितने भी आपके नॉन के क्रिएटर्स आए होंगे वहां पे शायद ये होगा कि मैनेजमेंट में कमी थी थोड़ा सा बोला हुआ किसी ने

जो सर का स्टाइल है ये भी नहीं पता है अच्छा पहली बार हो रहा है कि जो बंदा इंटरव्यू ले रहा, उनसे रहा है तो ले रहा, उनसे ये सवाल पूछ बहुत इंटरव्यू नॉर्मल टॉक्स नॉर्मल टॉक्स अच्छा लगा दिल से दिल वाली बात नहीं, होती नहीं, है वो ऐसा कुछ थी। अब भी भी नहीं अब वो भी हमने बोला कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा ऑफ कैमरा हो बोलो कि आप ऑन कैमरा भी बताया नहीं सर प्योर है एक्सेप्टेबल है मतलब ऑब्वियसली आपने जो बताई है वो चीजें हर क्रिएटर को ध्यान रखनी चाहिए

अमरीश सर को सुन रहे हैं इस वीडियो में आइए इनके इवेंट को ज्वाइन कीजिए सीखने को मिलेगा आपको और मैंने देखा सारी चीजेंगे <laughs> नहीं, 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 बिल्कुल ये बातें घुमा के नहीं पाएगा कोशिश करूंगा आपको नहीं आऊंगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बट मैं देखिए आ सकता हूँ देखिए क्या सर बहुत ही काम रहते हैं तो अब हम बहुत रेयर बाहर निकलते हैं कोशिश करूंगा पक्का हाँ बोलाना अगर नहीं आवा तो अलग बात है बट कोशिश पूरा चलिए थैंक यू सर जी थैंक यू सो, सो मच थैंक यू सर जी